बात मान रही हैं। ये एक्चुअली ये लोकेशन है, ये हम अगर डिस्को बेकरी वाले सिग्नल से मस्कन चौरंगी की तरफ जा रहे हो तो ये एक फार्मेसी है दवा हेल्थ केयर के नाम से, और इसमें जो लोग ये रन कर रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट था कि बहुत सस्ती मेडिसिन लोगों को दे सकते हैं। अब वो किस अंदाज से ये दे सकते हैं, आए अभी अंदर जाके मैं पूछता हूँ, मुझे आज इन्होंने बुलाया था इस हवाले से। कंपैरिजन पे ब्रांड्स नहीं लेके आना, ठीक है, फार्मेसी की क्या इनका कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें हैं, तो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ उसको। चले चल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब आप ये कह रहे थे कि भाई हम सस्ती दवाइयाँ देते हैं, वैसे तो ये माशाल्लाह जो आपका सेटअप है इसमें सस्ती दवाइयाँ मिलना तो मुश्किल है क्योंकि ये एसी और ये सारी चीज़ें, आदमी अंदर दाखिल हो ही सोचता पता नहीं कितनी महंगी दवाइयाँ होंगी। तो अब मुझे थोड़ा सा समझाएं कि आप सस्ती दवाइयाँ किस तरह देते हैं। सर देखें, मोस्टली हम मार्केट में जाएँ, अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वहाँ एक कॉन्सेप्ट पिच किया जाता है कि डिस्काउंट्स, मोस्टली पेशेंट को 7,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर ये बताया जाता है कि सर इस पे आप 10% डिस्काउंट ले लें, इस पे 12% डिस्काउंट लेने, अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्काउंट देता है तो 14% देता है। हम ये बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं सर कॉस्ट सेविंग की। कॉस्ट सेविंग से मुराद है कि पेशेंट अगर 7,000 रुपए पे अगर 12-14% बचा ले तो 6,700-6,800 रुपए पे चला जाएगा, बट हम कहते हैं कि उसकी वही कॉस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कन्वर्ट हो जाए 2,000-3,000 रुपए में, ताकि उसकी जो बाकी कॉस्ट है वो आजकल की सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको यूटिलाइज कर सके। मसलन एक मरीज अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आपके पास आता है, ठीक है, उसमें 6-7 दवाइयां हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप ये शो करेंगे कि भाई इसकी कितनी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट आपके पास, पेशेंट के पास ऑप्शन होगा अपनी पॉकेट के हिसाब से कि वो कॉस्ट के ऊपर किस तरह रिडक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, एक पेशेंट आपने देखा होगा कि ये हमने ये एक मॉडल लगाया कि पेशेंट के पास एक हम प्रिस्क्रिप्शन एक चार्ज करते हैं एक डेमो के लिए ताकि आपको बता सकें। जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन हमने चार्ज की, पांच दवाइयां इसमें लिखी, ये पांच दवाइयां सर, आप इसमें से काफी को हद तक जी मैं जान समझ रहा हूँ बिल्कुल, उनकी कॉस्ट कितनी, करंट बिल बन रहा है 5,244 रुपए, 5,244 रुपीज। अब हम वो विंडो ओपन करते हैं जो पेशेंट के पास ओपन होती है, ठीक है, इसकी कंपैरिजन विंडो ओपन करें। सर ये देखें, इसमें पेशेंट्स को हम तीन ऑफर करते हैं, एक तो वो हो गया जो उसकी एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन, उसमें देख लें सर, इसमें 5,826 रुपीज का बिल था जो डिस्काउंट के बाद इसका 5,243 रुपीज का बन गया। इसके बाद आते हैं अल्टरनेट ब्रांडेड मेडिसिन, इसके हिसाब से बस सर कॉस्ट का फर्क देखें, ये थी, यानी आपका सिस्टम ये बता रहा है कि इस प्रिस्क्रिप्शन के अल्टरनेटिव जो लेस एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं लेकिन उनकी क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड, और वो ब्रांड ये हर इंसान को ना डॉक्टर को पता है कि कौन कौन से उस ब्रांड में कम कीमत वाले हैं, ये सारी उसी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं लेकिन एज कंपेयर टू ये प्रिस्क्रिप्शन ये कम ब्रांड कीमत कम है। एग्जैक्टली, अब मैं आपको फर्क बताता हूं। विंडो आपने सर देखें, इसके अंदर पेशेंट की प्राइस बनी 5,243, ये जो आपने अल्टरनेट दिया अल्टरनेट ब्रांड के अंदर उसकी कॉस्ट देखें 1,664 रुपीज, अब इसके मुकाबले में 71% ऑफ, बिल्कुल, और अब अगर ये मजीद जेनेरिक में कन्वर्जन करूं सर 1,060 रुपए, इससे और कम कीमत की भी, और ये सारी दवाइयां जो आप डिफरेंट विंडोज में दिखा रहे हैं ये सारी स्टैंडर्ड है, रजिस्टर्ड है, और ये आपने सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं, बिल्कुल, हमने बहुत लिमिटेड ब्रांड रखे हैं और वो ब्रांड्स रखे हैं अल्टरनेट जेनेरिक ब्रांड्स के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ ड्रैप की तरफ से रजिस्टर्ड है। वजह इसकी जबरदस्त चीज क्यों है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दवाइयों के नाम याद होंगे, अच्छा उसमें से मैं सोचूंगा मेरे पास ये मरीज आ रहा है इसको जरा सस्ता वाला ब्रांड लिख दूं, इसको थोड़ा महंगा, या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल मुझे सस्ते ब्रांड याद रखने पड़ते हैं। और यहाँ आपका सिस्टम बता रहा है कि जो भी डॉक्टर ने ब्रांड लिखा है उसका सस्ता ब्रांड, और इसमें इवन मरीज अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ से पेशेंट ये वाला ब्रांड, क्योंकि डॉक्टर को तो पता नहीं है ना इस चीज का। अच्छा सर, इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है, जैसा कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हमने क्लोज कर दी, समझ गए, सिस्टम बता रहा है सिस्टम, अब इनके पास चॉइस नहीं है, कैन नॉट रिकमेंड, ये सब एडिशन करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की, और उसके बाद सिस्टम बताएगा कि उसके जेनेरिक के अकॉर्डिंगली कौन से ब्रांड किस कॉस्ट के अंदर अवेलेबल है। माशाल्लाह भी ये बड़ी जबरदस्त चीज है, क्या नाम था मैं भूल गया, दवा हेल्थ केयर। यहाँ पे हम आए थे तो एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे भी बहुत अपील कर रहा है इस हवाले से कि सिस्टम खुद बता रहा है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन आप लेकर आए हैं इसका अल्टरनेटिव सस्ता ब्रांड, जो दवाइयों से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि अगर 10 कंपनियां हैं तो एक जैसी 10 कंपनियों के कुछ ब्रांड बड़े सस्ते, कुछ ब्रांड महंगे, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, तो आपको एक अच्छी कंपनी का लेकिन वो लेस फेमस है तो वो सस्ता ब्रांड, तो बड़ा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट उस हवाले से आज के दौर में जब इतनी ज्यादा
एक्सपेंसिव चीज़ें होती जा रही हैं, तो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट पे, मेरा ख्याल है इस पे डॉक्टरों के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखें अपने पेशेंट्स को इस तरफ रागब करें, बाकी और फार्मेसिस्ट भी ये चीज़ें करें कि उनके पास अल्टरनेटिव लेस एक्सपेंसिव ब्रांड हो, ताकि ऐसा ना हो कि मरीज़ अपनी 5 दवाइयों में से 2 ना ले और 3 ले सिर्फ इस वजह से कि कॉस्ट, बिल्कुल, बजाय इसके कि वो अल्टरनेटिव ब्रांड लेके पूरी पांचों की पांचों मुस्तकिल बुनियादों पे दवाइयां दे रहा हो। शुक्रिया बहुत बहुत भाई आपके बताने का ये चीज़ है। थैंक यू।